इश्क। जाइए, जाके चाबी लेके आइए। मैं जानती हूँ दूसरी चाबी आपके पास है। वो किसी और को ले आया है अंदर अंदर दफनाने के लिए। मुझे जाना है, जाइए आप चाबी लेके आइए। बिटिया नहीं है मेरे पास चाबी। बेटा नहीं है मेरे पास। जाइए जाके चाबी लेके आइए। नहीं है चाबी मेरे पास, मैं कहाँ से लाऊं? जाइए। अगर कुछ गलत होता तो मंजूर इतने मुतमईन, इतने पुरसकून कैसे हो सकते थे? इरफान साहब ने इतना कुछ दे दिया हमें। हाँ यही उलझन है। खुदा के लिए मंजूर बहुत मेहनत करके कमाए और उनका कर्जा चलती उतार दे। अल्लाह पाक हमारी मदद करना, हमें सुरखरू कर देना, इज्जत से सुरखरू कर देना। इरफान कहाँ चला गया? रजिया? जी बेगम साहिबा। तुम्हारे साहब गए ऑफिस? जी वो तो बहुत सुबह ही चले गए थे। ठीक है। बेबी आप ऊपर ना जाएं। क्यों? वो ना नायला बीबी को इंजेक्शन दिया है, वो सो रही होंगी। आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। एक मिनट बात सुनो मेरी। जी मेरी पूरी रात बहुत अजियत में गुजरी है। तुम मुझे सब सच बताओ जो तुम जानती हो। इरफान क्यों नहीं बताना चाहते मुझे अपने कजन के बारे में? बिटिया मैंने आपको सब कुछ बता तो दिया है, लेकिन उससे मेरी तसल्ली नहीं हुई है रजिया। देखो अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं इरफान से खुद जाके बात करूं। नहीं नहीं नहीं, आप इरफान से तो कोई बात नहीं कीजिएगा। आप नाश्ता कर ले, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। ठीक है। चलो जल्दी करो ना। हाँ हाँ हो गया सब। गुड्डो अच्छा मैं तो कहता हूँ आजा यार, इसको तो यहाँ पे ये भी रखवाना है। अब्बू गाड़ी में बेटा रखवाते हैं। मेरी मशीन तो ध्यान से लेके जाओ। अरे इस कचरे को क्या करना है तुमने? मशीन की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरे जहेज की मशीन है। क्या हो गया? नए घर के अंदर देखना, हम इरफान भाई को और अस्मा को बुलाएंगे दावत पे। हाँ हाँ जरूर, मैं बहुत मजे मजे के खाने बनाऊंगी। हाँ जरूर। अच्छा यार ख्याल से गिराना देना इसको। अच्छा तुम जल्दी से आओ, मैं जा रहा हूँ गुड्डो के पास। रजिया। जी बीबी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जानती हो इरफान मुझसे वो क्यों छुपा रहे। मैं आपको बताती हूँ जो कुछ भी मैं जानती हूँ। तो क्यों छुपा रहे? असल में इरफान साहब की शादी का सिलसिला कहीं और हो रहा था।
कि अचानक में नाहिला बीबी उनके सामने आ गई और अजीबोगरीब बातें करने लगी। फिर क्या हुआ? पता नहीं, आकर नाहिला बीबी ने क्या कुछ कह दिया कि इरफान साहब और मैं तो हैरान ही रह गए। आखिरकार लड़की वाले डर गए और घर जाने के बाद उन्होंने शादी से ही इनकार कर दिया। तो क्या सिर्फ इस वजह से इरफान उससे नाराज है और जुल्म करता है? नहीं नहीं नहीं, हमारे साहब तो बड़े हमदर्द और नेक दिल इंसान है। वो तो बीबी का इतने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं और दुआएं देते हैं इनको, लेकिन हो सकता है इनके नसीब में यही मंजूर है। लेकिन रजिया, आजकल कोई भी इलाज नामुमकिन नहीं है। मैं खुद जाके इरफान से बात करती हूँ। मेरा मतलब है कि आप बात ना करें, साहब जी खुद ही किसी दिन आपको बता देंगे। और अगर नहीं बताया तो? अस्मा बीबी, अगर आपने जिक्र किया ना तो वो नाहिला बीबी को नफसियाती अस्पताल में करवा देंगे। वो सोचेंगे कि आपको इनकी मौजूदगी पसंद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा रजिया, मैं इरफान को सब कुछ समझा दूंगी। नहीं नहीं बीबी नहीं, देखे ना आपकी अभी नई नई शादी हुई है, आप अपनी जिंदगी को अच्छा सा गुजारें और भूल जाएं कि नाहिला बीबी भी इस घर में रहती हैं। मुझे तुम्हारी ये बातें बहुत उलझन देती हैं। और आपकी ये सारी दखल अंदाजी और दिलचस्पी मेरे और नाहिला बीबी के लिए नुकसानदेह है। तुम लोग इतना क्यों डरते हो उससे? नहीं नहीं, मेरे साहब तो बहुत अच्छे नेक दिल और हमदर्द हैं, लेकिन उनके दिल में क्या है ये मैं नहीं जानती। बस मैं तो उनके ऑर्डर की पाबंद हूँ। बिटिया, मेरी नौकरी को खतरे में ना डालें आप। तुम ठीक कह रही हो, तुम काफी अरसे से इधर काम कर रही हो तो मुझसे बेहतर जानती होगी इरफान को। मैं इंतजार करूंगी। शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया आपका। मैं नाहिला बीबी के पास मिलने जा रही हूँ। अस्मा बीबी, आप ऊपर ना जाए, नाहिला बीबी अजानों को टाइम सोई है और वो अभी बहुत देर तक सोएंगी। मुझे उसको रिलैक्स करना है, बहुत परेशान हुई है ना मेरी वजह से। वो जब भी उठे ना तो मुझे बताना। हाँ जी हाँ, वो जैसे उठेंगी मैं खुद आपको आके बताऊंगी। हाँ, आप अपने कमरे में जाए। ठीक है। देखो ये है वो घर। आजो आजो, मैं उठाता सामान। आजो आजो आजो। ये देखो चाबी भी है मेरे पास। चलो पहले पहले मेरा बच्चा, चलो 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 चलो। ये देखो इतना अच्छा कमरा है ये। हाँ जी बेटा जी, ये आपका कमरा है। मैं अपनी सहेलियों को ला के दिखाऊंगी ये कमरा। हाँ हाँ जरूर, ये लो अपनी चीजें मुझे सेट करो। कितना नरम है ये। हाँ अपनी चीजें सेट करो, ठीक है हम दूसरी जगह देखते हैं। ठीक है। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। अब्बू बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे। कितनी अच्छी बालकनी है। हाँ जब मैं थका रहा वापस आया करूंगा ना, फिर हम यहीं बैठ के चाय पिया करेंगे। हाँ मैं तुम्हारे लिए रोज पकौड़े बनाया करूंगी। ज्यादा पकौड़े ना खिलाना, मोटा हो जाऊंगा। आओ अंदर देखते हैं। ये लीजिए अली। चलो बेटा,
अम्मी मैं अस्मा से मिलके आ जाऊं? समझाया था ना तुम्हें, पर वो मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे उससे कुछ बताना है, समझाना है। बेटा समझा भी लेना, बता भी लेना, अभी तो घर आ जाओ। आओ। ये देखो, ये कमरा देखो, आजो 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 आजो। हे मंसूर, ये तो इतना खूबसूरत है। ये कितना भी है यहाँ पे, बैठो। हाँ हाँ बैठो, तुम्हारा अपना घर है। कितना नरम गद्दा है ये, मुझे तो रात में इस पे नींद भी नहीं आएगी। तुम्हें काम करना, जब तक तुम्हें आदत ना हो जाए नरम गद्दे पे सोने की, जमीन पे सो जाया करना। बस बस रहने दो, मैं यहीं पे सोऊंगी। अच्छा तुमने ये बालों को क्या करवाया है? अरे स्टाइल है, नया घर नया स्टाइल। ओ अस्मा का फोन आ रहा है। अस्मा का? इसे ना बताना कि हम नए घर में शिफ्ट हो गए। क्यों, उसे क्यों नहीं बताना? अरे इरफान साहब सरप्राइज देंगे, उसको अपने साथ लेकर आएंगे यहाँ पर। अच्छा जी ठीक है। हेलो। हाँ अस्मा कैसी हो तुम? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक जी। मैं और इरफान भी बिल्कुल ठीक है। बड़ी खुश लग रही हैं आप, क्या बात है? हाँ हाँ खुशी की बात तो है, तुम अपने घर की हो गई हो। इरफान साहब इतने अच्छे इंसान। एक तो आप और भाई प्लीज इरफान साहब कहना बंद करें। इतने बड़े आदमी हैं वो कि खुद ब खुद जुबान से इरफान साहब ही निकलता है। अच्छा चलो छोड़ो, तुम बताओ क्या हो रहा है? भाभी मुझे आपकी और भाई की बहुत याद आ रही है, मिलने का बहुत दिल कर रहा है। हाँ हाँ हम लोग भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। अच्छा ये लो अपने भाई से बात करो, ये ले। हाँ गुड़िया कैसी हो? फिकर नहीं करना, आराम करो, शाम को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनो सुनो, मैं नाइला हूँ, तो मेरी बात गौर से सुनो। सुनो योना, तुम देखो इरफान बहुत जालिम इंसान है, बहुत खतरनाक इंसान है, वो तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी कर देगा। देखो मैं नहीं जानती कि उसने मुझे जिंदा क्यों रखा हुआ है, लेकिन जो दूसरी थी ना उसने उसको मार दिया। इससे पहले कि वो तुम्हें भी मार दे, भाग जाओ यहां से। मैं क्या कर रही हूँ? भाग जाओ भाग जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम भाग जाओ यहां से। इधर आओ। मैंने उसको सब कुछ बता दिया, वो भाग जाएगी। हाँ
जाओ चलो। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं उस बेचारे को बचाऊंगी, वो मार देगा उसको। चलो यहाँ से, क्यों अपनी जान की दुश्मन बन रही हो? और चले मेरे साथ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों ऐसे बोल रही है? खामोश रहे, अपनी जान के दुश्मन बनी नहीं। चलिए मुझे उसको, मुझे उसको बताने दे सब। चले बस बस चले। निगत जी, निगत। अरे खाना बना रही हुई है, देखे चढ़ाई हुई है तुमने? बस अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया है। इरफान भाई, इरफान भाई मैंने आपको बताना था कि हम शिफ्ट हो गए हैं नए घर में। इरफान भाई आप आ रहे हैं अस्मा को लेकर या हम लोग आ जाएं लेने? ना तुम आ रहे हो ना मैं लेके आ रहा हूँ। इरफान भाई वो अस्मा का फोन आया था, उसको मैंने बोला था कि हम लोग आ रहे हैं लेने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे आप? तुम कौन होते हो उसे कुछ बोलने वाले? क्या जवाब तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन सच्चाई सामने आ गई है और इस बात की मुझे खुशी है। सर मैं तो आपको पहले ही बता रहा था और यकीन दिलाने की कोशिश भी कर रहा। मिस्टर अली यकीन करें, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जिन्हें देखकर लगता है कि इस जुर्म से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद जब सबूत सामने आते हैं तो फिर पता चलता है कि असल मुजरिम यही लोग हैं। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने मदद की हमारी। आपकी आंखों में, आपकी बातों में सच्चाई थी माँ जी, जिसने मुझे एक बार फिर से ये इंक्वायरी करने पर मजबूर किया। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, सुरखरू करे बेटा। सर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे मुल्क के हालात बदल रहे हैं, हमारे मुल्क में तब्दीली आ रही है और खास तौर पर आपके महकमे में। ये बात तो आवाम के लिए बहुत कुछ नसीबी की है। अब सारे इदारे मजबूत हो रहे हैं और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान बहुत मजबूत बनकर सामने आए। आमीन आमीन। लेकिन एक बात मुझे अब तक पता नहीं चल सकी कि आपकी गाड़ी में ये बंडल आया कहां से? जब मेरी बेगुनाही सामने आ ही गई है तो ये बात भी सामने आ जाएगी कि साजिश किसकी थी। सर ये बिस्किट लीजिए। थैंक यू। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है।
मेरे मालूम हो जाने से तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही? बीबी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, सांप के सामने कोई ऐसा जिक्र नहीं कीजिएगा। अगर सांप को पता चल गया तो वह इनके बारे में पहुँच सकते। खुदा के लिए अपनी जबान बंद कर लीजिएगा, अगर बीबी के लिए अच्छा चाहती हो तो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, क्या बात है? जी जी, वही तो बात है, तुम परेशान लग रही हो, घबराई भी लग रही है। नहीं नहीं तो साहब, झूठ मत बोलो, बताओ क्या बात है। सच कह रही हूँ साहब, ऐसी कोई बात नहीं। साहब जी, मैं डरती हूँ कि अगर नायला बीबी कमरे से बाहर निकल आई तो आपको तो पता ही ना, जब उन्हें दौरा पड़ता है तो संभालना भी मुश्किल। ये अल्लाह खैर करे। सजदा-ए-इश्क कमरे में कैसे रहना? अगर तुम्हारे रोने धोने की, हंगामे की आवाज बाहर तक सुनाई दी तो मैं तुम्हारा गला कपा दूं। एक ही दफा जान से क्यों नहीं मार देते आप मुझे? तैयार हुई। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। कल बहुत बड़ा मसला हुआ था, पूरी रात परेशान रहे होंगे ना? हाँ, लेकिन ये मसले तो आने जाने वाली चीज है, और मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि खुद घबरा कर टेंशन में आकर पूरे घर का सुकून बर्बाद करूँ। भाभी से बात हुई थी आज मेरी, वो लोग कह रहे हैं कि आ जाएंगे यहाँ पे। हाँ, मुझे भी आया था मंजूर साहब का फोन, कह रहे थे कि आप लोग हमारी तरफ आ जाएं, हम साथ डिनर करेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? यार मैं थका हुआ हूँ, I'm really tired। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं और तुम बाहर जाके डिनर करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी।
सब ठीक है ना? क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बोर तो नहीं हुई, मुझे ज्यादा मिस तो नहीं किया तुमने? कोई परेशानी है तो शेयर करो। नहीं, आप थक गए होंगे, रेस्ट कर लो। इसमें तो अभी थोड़ी देर है, चलो ये तो पैक कर दूं। सब रेडी हो गया? हाँ। अब जाके तैयार हो जाती हूँ। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अस्मा के घर नहीं जाना? कहीं नहीं जाना। क्या मतलब, क्यों नहीं जाना? फोन आया था इरफान भाई का, माजरत कर रहे थे, बिजनेस डिनर पे जाने। ओहो, गुड्डो तो बहुत नाराज होगी, सुबह से तैयारियां कर रही है फूफो से मिलने के लिए, वो तो हंगामा खड़ा कर देगी। निगत समझाओ उसे, बच्ची है, डील करना सीखो उसको, हंगामा करेगी। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे? निगत जाओ, जाओ चाय बनाओ जा। जाओ चाय बनाओ। अच्छा जा रही हूं। अजीब बात कर दी है इरफान भाई ने। क्या बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? हमने कौन से टैबलेट खिला के सुला दिया था? सर भारी भारी सा हो रहा है। हाँ तो खाली पेट है ना, खाना खा लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भूख नहीं है, बस एक कप चाय पिला दीजिए। सुबह से दो कप चाय पी चुके हो, खाना खाओ, रात को बना दूंगी चाय। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही है। अच्छा खाना खा लो, खाना खा लोगे तो सब बता दूंगी। हलक से कैसे उतरेगा मेरे? जब तुम नहीं थे तो मेरे हलक से कैसे उतरता था? अम्मी बताइए, क्या बात उसे छुपा रही थी? निगत मंजूर घर छोड़ के चले गए। पर कहां चले गए वो लोग? पता नहीं बेटा। और अम्मी मैं अस्मा से कैसे मिलूंगा? उसको तो फोन भी बन जा रहा है। बेटा फोन खुल भी जाए तो उससे बात करने की कोशिश मत करना। क्यों?
उसकी शादी हो गई है। क्या? ये ऐसे कैसे हो सकता है? आपको जरूर गलत फहमी हुई होगी। अभी प्लीज बोल दीजिए कि ये गलत है। अम्मी प्लीज प्लीज बोल दीजिए कि ये गलत है। प्लीज अम्मी। ये सही है, मंजूर ने रातों रात उसका निकाह करके उसको रुखसत कर दी। अच्छा तुम पानी पियो। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे दूर नहीं जा सकती अम्मी। नहीं अम्मी, वो मुझे दूर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, 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 नहीं जा सकते।